आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी वार्निंग मैं देना चाहता हूं, हो सके तो गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले और कर्नाटका वाले ये वीडियो ना ही देखें, क्योंकि शायद ये वीडियो देखने के बाद आपकी दिमाग की जो नसें हैं ये फटनी स्टार्ट हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल द विस्कीपीडिया पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों, एक जमाना था जब ब्लेंडेड स्कॉच विस्की जो कि एंट्री लेवल वाली होती थी वो 1800, 1900, 2000 रुपीस की आती थी। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 100 पाइपर्स 1000 रुपीस की एमआरपी के साथ आ रही है तो भाई दिमाग की जो घंटियां ना ये बजनी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं आपके साथ, पंजाब में 1021 रुपए की एमआरपी के साथ, मिनिमम रिटेल के साथ 100 पाइपर्स मार्केट में आ रही है। तो भाई क्यों लोग इंडियन विस्कीज को पिएंगे, क्यों लोग ब्लेंड स्प्राइट रिजर्व को पिएंगे, क्यों लोग एंटीक्विटी को पिएंगे, वो भी इसी प्राइस रेंज में आती है और ये भी उसी प्राइस में आ रही है। भाई ये एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है जिसकी डिस्टिलेशन, जिसकी ब्लेंडिंग, जिसकी मैचुरेशन सारा कुछ स्कॉटलैंड में हुआ है। सिर्फ इसकी बॉटलिंग जो है ये इंडिया में की जाती है। इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं डाले जाते, इसमें मोलासेस नहीं डाले जाते। तो आज की इस वीडियो में इसको टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्यों अब हमें स्कॉच विस्की के ऊपर पैसे स्पेंड करने चाहिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे अब वाइन स्टोर्स पे ये मिलना स्टार्ट हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती थी। इंडियन विस्कीज और स्कॉच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता था, आधे रेट पे इंडियन विस्कीज मिल जाती थी। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल गई हैं, अब उसी प्राइस रेंज में इंडियन विस्कीज के रेट में स्कॉच विस्की मिलना स्टार्ट हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये है बॉक्स 100 पाइपर्स ब्लेंडेड स्कॉच विस्की का। ये डीलक्स वेरिएंट है जो कि गोल्ड कलर के बॉक्स में आता है। 100 पाइपर्स के 3 वेरियंट्स मार्केट में आते हैं, डीलक्स सबसे पहले, उसके बाद 8 साल पुराने वाली, उसके बाद 12 साल वाली। ये वाला वेरिएंट इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल में रहता है। इंडियन पैलेट को इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। पर्नोरिको कंपनी का ये प्रोडक्ट है और भाई 1200-1300 में इजीली अब ये मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत अच्छी एक स्कॉच विस्की है, एक एंट्री लेवल स्कॉच विस्की है जिसको मिनिमम 3 साल तक मैच्योर किया जाता है, क्योंकि एज पर स्कॉटिश लॉ किसी भी स्कॉच विस्की को मिनिमम 3 साल बैरल्स में रहना ही पड़ता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। बॉटल भी देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, एक आइकॉनिक बॉटल है। मेरे हिसाब से कोई ऐसा विस्की लवर होगा जिसने 100 पाइपर की बॉटल ना देखी हो, क्योंकि हर जगह ये आपको मिल जाएगी, सभी वाइन स्टोर्स पे मिल जाएगी, सभी बार में मिल जाएगी। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं और थोड़ा सा ग्लास में डाल के मैं इसकी नोजिंग और टेस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग का यूज किया जाता है जो कि नॉर्मली सभी स्कॉच विस्की में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए करते हैं इसकी नोजिंग। चीयर्स। दोस्तों, 100 पाइपर की नोजिंग काफी ज्यादा सूथिंग है। एक वुडी नोट आपको इसमें मिलेगा, हल्की सी फ्रूटीनेस मिलेगी, शिवस रीगल की याद आपको आ जाएगी जब भी आप इसको नोज करोगे। बहुत ही मेलोड है। 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसमें एल्कोहल स्ट्रेंथ है, लेकिन ये नोज के ऊपर काफी बढ़िया नोजिंग आपको देगी। चलिए करते हैं इसका टेस्ट। चीयर्स। एक वुडीनेस आ रही है, हल्की हल्की टंग के ऊपर ये बर्निंग देगी। जो लोग पूछते हैं कि नीट पी सकते हैं, तो भाई नीट पीने के लिए ये नहीं बनी। आप इसको मिक्स करके किसी के साथ पियो, चाहे सोडा डालो चाहे पानी डालो, नीट मत पियो। हल्का सा बर्निंग इफेक्ट ये आपको देगी। चलिए थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं और दोबारा से एक बार फिर मैं इसको टेस्ट करूंगा। दोस्तों, मैंने अपनी स्कॉच में हल्का सा पानी मिलाया है, चलिए एक बार फिर से इसका टेस्ट करते हैं। दोस्तों, पानी ऐड करने के बाद वो बर्निंग इफेक्ट बिल्कुल गायब हो गया है।
वुडीनेस इसमें मिल रही है, फ्रूट्स का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, हल्की सी वनीला का टेस्ट इसमें आ रहा है। मैं आपको यही चीज़ दोबारा से कहना चाहूँगा, अगर आप एक इंडियन विस्की पीते हो, मतलब कि अगर आप 800 से लेके 1000 रुपये तक स्पेंड करते हो और अभी भी एंटीक्विटी वगैरह आप पी रहे हो, तो भाई टाइम आ गया है अपनी विस्की को चेंज करने का। 200-300 रुपये और ऐड करके आप स्कॉच विस्की की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। 100 पाइपर्स इजीली आपको 1200, 1300, 1400 की मिल जाएगी। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे रेट थोड़ा ज़्यादा है, चंडीगढ़ में बहुत आपको कम प्राइस में मिल जाएगी, पंजाब में भी अब बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगी, हरियाणा में भी बहुत सस्ती है। तो भाई अगर इतने पैसे स्पेंड करने ही हैं तो स्कॉच विस्की के ऊपर स्पेंड करो। 100 पाइपर्स एक काफ़ी अच्छी ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, मेरे हिसाब से बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।